पंडित प्रेम शंकर मिश्र हिंदी की अतुकांत रचना और नवगीत विधा के समर्थ रचनाकार, आज उनकी 13वीं पुण्यतिथि है। उन्हें भारत के मध्य वर्ग के लोगों का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं में मध्य वर्ग को रूपायित किया, उसको जीवन दिया, उसके हर सुख दुख को प्रतिध्वनित किया। कहा जाता है कि मध्य वर्ग का जो वैचारिक ऊहापोह है भारत में, उसको भी उन्होंने अपनी कविताओं में प्रमुखता से स्थान दिया। और एक तरीके से वो ये बताते हैं कि भारत का मध्य वर्ग किन चिंताओं और समस्याओं के साथ जीवन जी रहा है। एक उनकी कविता है, गुजर गया और एक साल। हालांकि ये कविता तो नव वर्ष को संदर्भ में रखकर रची गई मालूम देती है, और किसी भी व्यक्ति के जीवन के किसी नए वर्ष में प्रवेश की ओर ध्यान दिलाती है, जैसे किसी के जन्मदिन की बात की जा रही हो। लेकिन ये कविता भी मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और भारत के मध्य वर्ग की उन समस्याओं की ओर बड़ी ही बारीकी से लोगों का ध्यान आकृष्ट करती है, जो सामाजिक तौर पर या आर्थिक राजनीतिक तौर पर मध्य वर्ग को झेलनी पड़ती है। मध्य वर्ग का जो जीवन है वो किस तरीके से जटिल होता जा रहा है, उस ओर भी वो ध्यान आकर्षित करते हैं। मध्य वर्ग, भारत का मध्य वर्ग और उसकी चिंताएं, उसकी समस्याएं, उसके जीवन की विसंगतियां, उन सब को इस कविता में स्थान दिया गया है। और मैं चाहता हूं कि इस कविता को आप भी मेरे साथ सुने, देखें कि इस कविता में किस तरीके से पंडित प्रेम शंकर मिश्र जी मध्य वर्ग के जीवन और मानवीय संबंधों को व्याख्यायित कर रहे हैं, रूपायित कर रहे हैं। गुजर गया एक और साल, कंधों पर उगा नए बाल। गुजर गया और एक और साल, कंधों पर उगा नए बाल। गुजर गया एक और साल, विश्वासों सहमत के बीच की टूट गई एक और सीढ़ी। बकुल दंश मुस्काने झेलते गुजर गई एक और पीढ़ी। हर उत्तर नए प्रश्न जाल, गुजर गया एक और साल। जो मध्य वर्ग का जीवन है उसमें किस तरीके से विश्वास सहमति और किस तरीके का कॉम्प्लेक्स है उसकी लाइफ में, ये आप यहाँ इस कविता में देखिए कि विश्वासों सहमति के बीच की टूट गई एक और सीढ़ी। बकुल दंश मुस्काने झेलते, बकुल दंश बिल्कुल नया बिंब है, नया प्रयोग है। जो लोग बगुला भगत से वाकिफ़ हैं वो बकुल दंश को भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो बगुला भगत से जो पीड़ा मिलती है, जो कष्ट मिलता है, जो छल मिलता है, उसका जो दंश है वो वही जानता है जिसने उसे भोगा है। बकुल दंश मुस्काने झेलते, बिंब देखिए सब, बकुल दंश मुस्काने झेलते गुजर गई एक और पीढ़ी। हर उत्तर नए प्रश्न जाल, गुजर गया एक और साल। चितकबरे व्यवहारों पर, चितकबरे व्यवहारों पर काला काला गहरा गहरा दृष्टि दिशाहीन बुझी आँखें। दृष्टि दिशाहीन बुझी आँखें, चेहरे पर एक और चेहरा। भारत का मध्य वर्ग देखिए साहब कि कैसा है। चितकबरे व्यवहारों पर काला काला गहरा गहरा दृष्टि दिशाहीन बुझी आँखें, चेहरे पर एक और चेहरा। गधा भगा गीदड़ की चाल, गुजर गया एक और साल। गधा जो अपने भूंदूपन का, अपने कम बुद्धि या कम अक्ल होने का या अपने सरलता का प्रतीक है, वो भी गीदड़ की चाल भगने लगा। कैसे बदल रहा है हमारा समाज, हमारा देश, हमारे लोग। शब्दों की अर्थ केंचुली, एक और बिंब देखिए, शब्दों की
अर्थ केंचुली छोड़ हुई नागिन बेपर्द जहरीली षड्यंत्री सभ्यता कागज पर धब्बे का दर्द प्रश्नाहत हुआ नौ निहाल गुजर गया एक और साल। जो कॉम्प्लेक्स लाइफ है हमारी, हमारे लोग, हमारी हमारा समाज, जिनके शब्द अर्थ केचुली में उलझे हुए हैं, जो नागिन की तरह डसते हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो सभ्यताएं जो षड्यंत्र कर रही हैं, उन सब के बीच में जो नौनिहाल है, जो नया नया नई पीढ़ी है, नया युवक है, नया जीवन है, वो इसमें छला जाता है और वो आहत होता है। पूरा समाज, पूरा देश सामने है। कंधों पर उगा नए बाल गुजर गया एक और साल। प्रश्नाहत हुआ नौ निहाल गुजर गया एक और साल। कंधों पर उगा नए बाल गुजर गया एक और साल। पंडित प्रेम शंकर मिश्र की 13वीं पुण्यतिथि पर मेरी ओर से उन्हें शत शत नमन। नमस्कार।